Hey everybody, this is Brajesh here और आप देख रहे हैं CABA Infoventry। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा, अगर आप कैश मार्केट में काम करते हैं बहुत रेगुलरली और आप इन स्टॉक्स को अपना बिजनेस एसेट मानते हैं और ये आपके बिजनेस का पार्ट है। देखिए, दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक वो जो कि आपका काम कुछ और है, यानी कि आप सर्विस करते हैं और आप स्टॉक मार्केट में कुछ पार्ट टाइम इन्वेस्ट भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक इन्वेस्टर हैं, लेकिन आप कुछ और नहीं कर रहे हैं और जो ये आप इक्विटी स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं वो आपके बिजनेस का ही एक पार्ट है, तो आप इसको स्टॉक इन ट्रेड मानेंगे। इसका मतलब ये स्टॉक्स या शेयर आपके बिजनेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, इसलिए आप इन शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं। इन दैट सिनेरियो ये आपका बिजनेस मान लिया जाएगा और एज ए बिजनेस इनकम ही ट्रीट होगा इनकम टैक्स के अंदर। अब वो कौन सा सिनेरियो है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको बिजनेस इनकम ट्रीट करेगा या इसको आपकी एसेट ट्रीट करेगा, ये जानना क्लैरिटी के साथ आपके लिए बहुत जरूरी है। देखा यह गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम इसी के ऊपर डिस्प्यूट होता है कि आपकी शेयर से इनकम एज ए बिजनेस इनकम ट्रीट की जाए या इसे इन्वेस्टमेंट इनकम ट्रीट किया जाए। तो यू एज एन इंडिविजुअल आपको यह पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, सो दैट वो इनकम जो आप इन स्टॉक्स एंड शेयर्स में इन्वेस्ट करके कमा रहे हैं वो आपके नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से एज ए बिजनेस इनकम टैक्स ना हो जाए। आपको याद ही होगा कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको 15% या 15% टैक्स देना होता है और यही अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको 10% या 10% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसमें रेगुलरली ट्रेडिंग करेंगे तो शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको आपकी बिजनेस इनकम मान ले और उस केस में इस पर टैक्स रेट काफी हाई लग सकता है। अब मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए ताकि आपकी शेयर से जो इनकम है उसे आपकी बिजनेस इनकम ना माना जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट नॉट टू डू। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई सारे सर्कुलर इशू किए हैं जिसमें ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कि किस कंडीशन में आपकी शेयर से होने वाली इनकम को बिजनेस इनकम माना जाएगा या इन्वेस्टमेंट इनकम माना जाएगा। उसके लिए वेरियस क्राइटेरिया इन सर्कुलर्स में प्रोवाइड किए गए हैं। कुछ मेन और इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज को मैं अब आपके साथ शेयर करता हूं जिन्हें आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। नंबर वन, अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, मतलब आप अपने लिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं उसमें आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं तो ये एज ए कैपिटल गेन ट्रीट होगा, और आप अगर उसको स्टॉक इन ट्रेड दिखाते हैं तो ये एज ए बिजनेस इनकम ट्रीट होगा। ये बहुत जरूरी है कि हर इंडिविजुअल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जिसमें कि वे एसेट के अंदर में इन शेयर को एज एन इन्वेस्टमेंट दिखाए, इनको वे अपने एज ए स्टॉक इन ट्रेड ना दिखाए। अब हो सकता है कि आप जो शेयर की ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस में कर रहे हैं अदर देन इंडिविजुअल, लाइक वो हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म हो या LLP
दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म या फिर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, तो ऐसे केस में आपको उसका जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसमें आपको ये बताना पड़ेगा ये कंपनी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेगी ना कि उसमें ट्रेडिंग करेगी। यानी कि उस कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट और उद्देश्य शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है ना कि शेयर्स में ट्रेडिंग करना। यहां पर आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि उसमें आप कहीं भी यह ना मेंशन कर दें कि जो आपका शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होगा वे आप स्टॉक इन ट्रेड ट्रीट करेंगे। वहां पर आपको यह भी लिखना चाहिए कि कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट और उद्देश्य है या जो कंपनी का मेन पर्पस है वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है एंड नॉट ट्रेडिंग इन शेयर्स। ये कभी भी गलती से भी नहीं लिखा होना चाहिए आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, नहीं तो ऐसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको आपकी बिजनेस इनकम मान लेगा। अब मान लीजिए कि आपने शेयर मार्केट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आप उससे 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं एक साल के अंदर, इसका मतलब आपका काम ही ट्रेड करना है, तो वो आपकी बिजनेस इनकम हो जाएगी। तो कितना काम करे शेयर में, क्वांटम ऑफ ट्रेड, कितना आपने सेल किया और कितना आपने परचेस किया, ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। तो जितना कम आप सेल परचेस करेंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि ये आपका एज ए इन्वेस्टमेंट इनकम माना जाए ना कि बिजनेस इनकम, और इस तरह से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा अगर आप ट्रेड करेंगे तो जो ये आपका इनकम है वो एज ए रेगुलर बिजनेस इनकम मानी जाएगी जिसमें आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिसाइड करेगा कि आपकी इनकम एज ए इन्वेस्टमेंट इनकम मानी जाए या बिजनेस इनकम, वो होगा होल्डिंग पीरियड ऑफ द सिक्योरिटी। भाई यू आपने आज खरीदा, 2 दिन बाद उसको सेल कर दिया, आपने आज परचेस किया और 1 हफ्ते बाद सेल कर दिया, तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि आपकी इंटेंट ही ये थी कि आप शेयर्स में बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। वहीं उसके दूसरी तरफ अगर आपने आज कोई शेयर परचेस किया और उसको 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने या 1 साल के बाद आप उसको सेल कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यह माना जाएगा कि आपकी इंटेंट ये थी कि आप शेयर्स को होल्ड करना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ना कि रेगुलर ट्रेड करना चाहते हैं। तो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड ऑफ शेयर्स एंड ओपन स्टेट ऑफ ट्रेड का दैट विल आल्सो बी ए डिसाइडिंग फैक्टर वेदर दिस विल बी ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट और ए बिजनेस इनकम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि ये डिसाइड करेगा कि वेदर आपकी जो इनकम है वो एज एन इन्वेस्टमेंट इनकम मानी जाएगी या बिजनेस इनकम, वो है आपकी इंटेंट। आपकी इंटेंट क्या थी जिस समय आपने शेयर को परचेस किया था? अगर आपकी इंटेंशन जिस समय आपने उस शेयर को परचेस किया ये थी कि आपको रेगुलर ट्रेडिंग करना है, यानी कि आज आप परचेस करेंगे और उसके बाद बहुत जल्दी उसको सेल कर देंगे, या आपकी इंटेंशन ये थी कि भाई मैं तो इसको आज परचेस करने के बाद रख ले रहा हूं और जब इसमें मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन या बहुत बड़ा मुनाफा होगा तब मैं उसको सेल करूंगा, यानी कि आपकी इंटेंशन उसमें इन्वेस्ट करने की थी ना कि सेल करने की, और आपका जो इंटेंशन था
वो इसमें इन्वेस्ट करके अपने लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करना था। अब एक पर्सन की इंटेंशन को मैं एक एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करूंगा। आप कहोगे कि सर जो बिल्डर है वो हर समय बहुत सारे फ्लैट सेल करता है, घर सेल करता है। अब आप उसमें बोलोगे कि सर मैंने अपना घर सेल किया और मैंने घर खरीदा वर्सेस एक बिल्डर घर खरीदता है और वो बिल्डर घर सेल करता है, दोनों ही घर खरीद रहे हैं और दोनों ही घर बेच रहे हैं, तो दोनों में क्या फर्क है? डेफिनेटली घर खरीदना या बेचना आपका पेशा नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, तो आप अपनी लाइफ टाइम में आइडियली एक या दो बार ही घर या फ्लैट परचेज या सेल करेंगे, और उसके खरीदने के पीछे आपकी इंटेंशन क्या है? यू आर बाइंग विद द इंटेंशन टू कीप दिस हाउस और फ्लैट विद योर सेल्फ। आप इसको अपने रहने के लिए खरीद रहे हैं, आप इसको बेचने के पर्पस से नहीं खरीद रहे हैं, और आप इसको इमीडिएटली सेल करने की इंटेंशन से भी नहीं परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए बिल्डर के पर्सपेक्टिव से, बिल्डर का इंटेंशन यह होता है कि वो कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, चाहे वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए या फिर रीडेवलपमेंट के लिए, तो उसका बेस इंटेंशन ही बस यही होता है कि वो एक्वायर कर रहा है ताकि वो उसको तुरंत सेल कर पाए जिससे कि वो प्रॉफिट कमा पाए। दिस इज डिफरेंस ऑफ इंटेंशन बिटवीन द टू। जो बिल्डर कर रहा है वो हो जाएगी उसकी बिजनेस इनकम, और आपके केस में वो हो जाएगा कैपिटल गेन। इस केस में बिल्डर अपनी एसेट्स नहीं बेच रहा है बल्कि गुड सेल कर रहा है, क्योंकि प्लॉट, फ्लैट या हाउस उसके लिए गुड्स हैं ना कि एसेट, जबकि आपके लिए आपका हाउस एक एसेट है। सिमिलरली अगर एक एलसीडी बेचने वाला एलसीडी बेच रहा है तो वो अपनी एसेट्स नहीं सेल कर रहा है बल्कि गुड सेल कर रहा है, बिकॉज सेल ऑफ एलसीडी इज हिज बिजनेस एंड इसलिए ये उसकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा, अगर नहीं आई हो तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अगर डिसलाइक करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक उसे जरूर शेयर कीजिए ताकि उसे एक अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे भी मिलेगी और मेरे व्यूअर्स को भी मिल पाएगी। आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है, जो मुझे लगता है बिल्कुल आ सकती है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो तक आ गए हैं, बाकियों तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी और हमारी है, तो वो हमें जरूर करनी चाहिए। इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने YouTube चैनल CABA इन्फोवेंट्री पर। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं जरूर आपसे कहूंगा कि आप इसको कंसीडर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपके पास आ सके और हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। बाय बाय।